हाय गाइस, वेलकम बैक टू पावर पॉइंट ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ट्रांजिशन कैसे आप लगा सकते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया आपको कि यहाँ से जब हम वो स्टार्ट करते हैं तो एक स्लाइड तो अच्छी चलती है, लेकिन ऑटोमेटिक हम चाहें कि वो स्लाइड चेंज हो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में, तो उसकी अलग अलग स्टाइल होती है, उसको आप कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आगे जाने के लिए हमें माउस क्लिक करना पड़ता है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्लिक करिए और ऊपर में देखिए ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशन इसमें अलग अलग तरह का है। जैसे यहाँ पे देंगे कट, ऐसे फेड करेंगे, इस तरह से फेड होके स्लाइड होगी। देखिए पुश करने से ऐसे करते लगता है नीचे से ऊपर आए, वाइप करने से इस तरह का आएगा, स्प्लिट करेंगे इस तरह से जाएगा। अलग अलग लिया हुआ है, जो आपको पसंद हो आप वैसे लगा सकते हैं इसके अंदर, देखिए। और सभी में अलग अलग में आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हैं कि आप अगर जैसे स्टार्टिंग में जब वो एंटर करेगा तो ये होगा, और जब लीव करेगा तो वो कुछ दूसरा लगा सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट है वो है वाइप, देखिए यहाँ पर मैंने दिया। और वाइप में भी अलग अलग है, यहाँ पे देखिए इधर से होगा तो फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, इसमें लगाएंगे वाइप में, फिर फ्रॉम लेफ्ट ये हुआ। और फिर तो अगर एक ही सभी में इफेक्ट देना हो तो सबको शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करिए, एक साथ पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, शिफ्ट प्रेस करके हाथ से लेफ्ट साइड से सब पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे किया, और या तो डायरेक्ट लास्ट वाला में करें तो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और सभी में मैं कर रहा हूँ, केस में वाइप, वाइप में कैसे होगा, या वाइप से अच्छा है कि पुश कर लेता हूँ, पुश ठीक है, चलो पुश लगाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पुश में भी देखिए यहाँ पे इफेक्ट है, तो फ्रॉम लेफ्ट ऐसे आएगा या फ्रॉम राइट, तो इधर से चलिए फ्रॉम राइट रखते हैं, हो गया। अब वापस स्लाइड करके यहाँ पे देखते हैं, देखिए ऐसे आएगा, क्लिक करेंगे देखिए स्लाइड जो चेंज होगी वो ऐसे चेंज होगी स्लाइड, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमारा कुछ मतलब इसमें कोई बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ खर्चा हो रहा है, आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी है। लेकिन आप ये तो सोचें कि अगर आपके पास मान लो 10 कैटेगरीज हैं, या फिर जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, हो सकता है कि मे बी 50 प्रोडक्ट्स है या फिर 100 प्रोडक्ट्स है, तो आप जब टाइम मिले आप इस तरह बना बना के आप इसको आप मतलब वीडियो को अपलोड करते जाएँ, तो इससे क्या है कि आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसमें कोई ना कोई आपका विजिटर्स देख रहा है। और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक रखिए, वहाँ पे लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट में जाएगी, आपका प्रोडक्ट सेल होगा या जो भी सर्विसेज है वो आपका यूजर जो है विजिटर्स वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। और तो देखिए इस तरह से स्लाइड हुआ। अच्छा एक आप चीज़ देखिए, हमको मुझे ना क्लिक करना पड़ रहा है तब जाके ये बार बार आया। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं ये ऑटोमेटिक चले विदाउट क्लिक, तो उसका भी रास्ता आपके पास है। वो क्या है, मैं एस्केप प्रेस कर रहा हूँ तो ये हट रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पे आप एस्केप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये हट जाएगा। अभी क्या करना है कि आपको ऑटोमेटिक चलाना हो तो आप यहाँ पे फिर क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और इसको करना है, और फिर यहाँ से जाना है आपको ट्रांजिशन में। और यहाँ पे देखिए ऑन क्लिक पे, ऑन माउस क्लिक पे टिक लगाया हुआ है, इसको हटा के आपको कर देना आफ्टर ए, ठीक है, और अप्लाई टू ऑल। फिर यहाँ पे स्लाइड शो में जाना है और कैसे करना है,
देखिए आपको कुछ नहीं करना है, अब ये एंड तक अपना चलता जाएगा, जहाँ पे एंड की पेज में आप थैंक यू फॉर वॉचिंग ऐसा कुछ लगा सकते हैं, आप वहाँ पे अपना नंबर दे सकते हैं, नहीं तो कम से कम ईमेल आईडी दे सकते हैं, वेबसाइट की यूआरएल दे सकते हैं थैंक बोल के। तो ये देख रहे हैं आप कि एक अच्छा आप स्लाइड शो बना के एक वीडियो प्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये चल रहा है, इसमें पूरा एक बार फिनिश होने के बाद ये दूसरे में जाएगा। ये सुपर स्लिम इनवलिस्ट जो डिज़ाइन है वहाँ पे उसको बोल्ड कर सकते थे, जो 100% जेन्युइन लेदर है उसको भी बोल्ड कर दें तो और कैची लगेगा देखने में। देखिए ऑटोमेटिक ये स्लाइड चलने लगी फिर, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये स्लाइड को ट्रांजिशन में भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप वीडियो में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।